अब देखो ध्यान से जरा, फिर से मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, और कौन सा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ? ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ वाला, ठीक है? चार हमने इसके पार्ट बना लिए थे, जीरो टाइम, टी बाय फोर टाइम, टी बाय टू टाइम, थ्री टी बाय फोर टाइम और टी टाइम, करेक्ट? और मैं कुछ ऐसे से ये बना लेता हूँ यहाँ पीक, पीक वैल्यू। स्केल नहीं ले रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है पीक। टाइम जीरो पर ईएमएफ जीरो है, टाइम टी बाय फोर पर कितना? मैक्सिमम। तो जीरो से इंक्रीज हुआ और मैक्सिमम पहुंचा, फिर टी बाय टू पर ईएमएफ घटते घटते कितना हो गया? वापस जीरो हो गया। उसके बाद फिर यहाँ टाइम पीरियड फिर से क्या हुआ? मैक्सिमम इन अपोजिट डायरेक्शन, और फिर वापस क्या हो गया? फिर वापस जीरो हो गया। ये आपका ईएमएफ है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये प्लस ई नॉट वैल्यू और ये माइनस ई नॉट वैल्यू, और एक्स एक्सिस पर आपने टाइम लिया, यहाँ क्या लिया है? आपने ईएमएफ लिया हुआ है वाई एक्सिस पर। अब इस ग्राफ का एक्चुअल मतलब होता क्या है? इस ग्राफ का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है? है क्या ये चीज? ये वेरिएशन का मतलब क्या है? ये बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। अगर ये चीज आपके माइंड में नहीं आई, आपको समझ नहीं आई, तो पूरा लेसन ऑल्टरनेटिंग करंट का समझ नहीं आएगा। और ऑल्टरनेटिंग करंट का जो चैप्टर है एसी, एसी समझते हो? एसी क्या होती है? एसी जो हमारे घर में आती है, एसी जो हमारे घरों में आती है, जिससे हमारा कूलर फ्रिज एसी और पंखा और फलाना सब कुछ चल रहा है, वो एसी पे चल रहा है। और इसकी एक बड़ी बड़ी अजीब सी प्रॉपर्टी है, क्या? ये झटका मारती है, बड़ा कैड़ा वाला झटका मारती है, बहुत कैड़ा वाला, ये हिला देती है पूरी दुनिया। कई मिनट तक आदमी हिलता रहता है, ये क्या हुआ? तो झटके 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 से अगर बचना है तो पहले तैयारी करके रखो इसकी, एसी से दोस्ती कर लो, इसको समझ लो कि ये क्या है, तो झटके से बच जाओगे फिर आप इसके, नहीं तो झटका लगेगा, बहुत ही कैड़ा वाला झटका लगेगा। और समझ लो कि ये इस वेरिएशन का मतलब है क्या। इस वेरिएशन का मतलब समझने से पहले मैं एक दूसरी चीज बना रहा हूं, एक दूसरी चीज बना रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। एक मैंने बल्ब बनाया, बल्ब लिया, बनाया क्या, मेरी क्या फैक्ट्री बल्ब बनाने की, और इस बल्ब से मैंने एक सेल लगा दिया। सेल जो सेल है आपका, जो सेल है, ये सेल है, ये है सोर्स ऑफ स्टेडी ईएमएफ, सोर्स ऑफ स्टेडी ईएमएफ। स्टेडी का मतलब क्या लिखूं मैं, बंधा हुआ, फिक्स या कांस्टेंट, कांस्टेंट ईएमएफ। जैसे कि आपका सेल है, नॉर्मल सेल लाते हैं, नॉर्मल सेल उस पर लिखा होता है 1.5 वोल्ट, तो मतलब 1.5 वोल्ट ईएमएफ है इसका, ये घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, जब बशर्ते कि सेल बढ़िया तरीके से, ओरिजिनल बढ़िया वाला हो। तो इसने यहाँ प्लस लगा दिया और मैंने यहाँ से स्विच ऑन करा, करेक्ट? नहीं, थोड़ा सा मैंने चेंज कर लिया, अभी मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया। चलो दोबारा बना लेता हूँ, ये छोटा सा डायग्राम है, ये बल्ब, ओके, बल्ब से लगाया मैंने एक सेल, उल्टे बना दिया, और यहाँ इसके बाद में लगाई एक की, और साथ में यहाँ लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर, जी, गैल्वेनोमीटर जी लगा दिया यहाँ, ठीक है। अब क्या होगा देखना, बहुत ध्यान से देखना, मैं दो डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ आपको। एक तो गैल्वेनोमीटर और एक बल्ब, ठीक है। मैंने करा क्या, एक्चुअली मैंने यहाँ एक हाई स्पीड कैमरा लगा दिया, यहाँ एक बल्ब के सामने कैमरा लगा दिया हाई स्पीड, और एक हाई स्पीड कैमरा लगा दिया मैंने यहाँ किसके सामने, गैल्वेनोमीटर के सामने, हाई स्पीड मतलब स्लो मोशन करके देखेंगे फिर उसे,
तो जैसे ही मैंने स्विच ऑन करा, ये जो बल्ब है, ये बल्ब का सिंबल मैं ऐसे बना रहा हूँ, इसमें कोई ब्राइटनेस नहीं थी, और गैल्वेनोमीटर की नीडल कहाँ थी? जीरो पर। जब मैंने, जैसे ही मैंने यहाँ इसे सर्किट को स्विच ऑन करा, की यहाँ लगाई, ठीक है, फिर क्या हुआ? की लगाने के बाद, मतलब की लगाई और यहाँ इसकी वीडियो रिकॉर्ड हो गई, और वो जो रिकॉर्ड थी वीडियो 1 सेकंड की, उसको मैं 10 सेकंड में, 20 सेकंड में धीरे धीरे करके देख रहा हूँ, तो क्या दिखाई दिया? दिखाई ये दिया कि इस बल्ब में हल्की सी ब्राइटनेस आई, और ये गैल्वेनोमीटर की नीडल हल्की सी आगे बढ़ी। ओके, फिर इस बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ी और गैल्वेनोमीटर की नीडल और आगे पहुंची। बल्ब की ब्राइटनेस और बढ़ी, गैल्वेनोमीटर की नीडल और आगे बढ़ी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये बल्ब, अब बल्ब की ब्राइटनेस का बढ़ना रुक गया, ब्राइटनेस का बढ़ना रुक गया, और गैल्वेनोमीटर नीडल का आगे और आगे जाना भी रुक गया। अब मैं चाहे कितनी देर तक इस वीडियो को देखता रहूं, कितनी लंबी ये मैंने वीडियो बना दी, ना तो बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ रही और ना गैल्वेनोमीटर की नीडल और आगे जा रही। गैल्वेनोमीटर की नीडल एक जगह जहां पहुंचनी थी वहां पहुंच करके रुक गई, और बल्ब की ब्राइटनेस जितनी होनी थी, बल्ब की ब्राइटनेस जितनी जहां तक इंक्रीज होनी थी वो इंक्रीज हो गई। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही जब आप स्विच ऑन करते हो तो आपको तो लगता है कि बल्ब एकदम जल गया, लेकिन कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, हमारी आंखें उस टाइम का जो गैप है उसे पढ़ नहीं पाती। हाई स्पीड कैमरा से अगर आप इसे रिकॉर्ड कर लें तो साफ पता लगेगा कि बल्ब की ब्राइटनेस धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक बार इंक्रीज हुई और उसके बाद फिर 1 घंटा, 2 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना चाहो आप रोके रखो, बल्ब की ब्राइटनेस अब फर्दर नहीं बढ़ेगी। और इसी तरह गैल्वेनोमीटर की नीडल, जब करंट जीरो थी तो जीरो, करंट थोड़ी और बढ़ी, ब्राइटनेस बढ़ी, 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 लेकिन अब करंट का फर्दर बढ़ना बंद हो गया। करंट चल रही है, इस सर्किट में करंट चल गई है, चल रही है, लेकिन वो अब बढ़ नहीं रही, वो एक जगह फिक्स हो गई, कॉन्स्टेंट हो गई, ठीक है। ये कहलाता है सोर्स ऑफ स्टेडी करंट, जो कि होते हैं हमारे सेल या बैटरी, नॉर्मल सेल या बैटरी। अब समझना ध्यान से, अब हम समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, इस वेरिएशन का मतलब क्या है, कि जीरो से बढ़ना, जीरो होना, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना, फिर जीरो होना, इसका मतलब क्या है, इस वेरिएशन का मतलब क्या है। तो मैंने फिर से एक सर्किट बनाया। कैसा सर्किट बनाया? एक बल्ब, ये, और इस बल्ब से मैंने इस बार जोड़ लिया एक सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट की लगाई, और इसके रास्ते में भी क्या लगा लिया? एक गैल्वेनोमीटर लगा लिया। ये सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है, एक लहर बनाते हैं, इसके नीचे लिख देते हैं इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से देखना। फिर से वही करा मैंने, क्या, एक हाई स्पीड कैमरा तो लगाया इसके सामने, और एक हाई स्पीड कैमरा लगा दिया यहाँ, हमने हाई स्पीड पर वीडियो बना ली, और फिर से स्लो मोशन में देख रहे हैं, स्लो मोशन में देख रहे हैं, और वही चीज, बिल्कुल वही बल्ब। तो इनिशियली बल्ब का आपकी ब्राइटनेस है जीरो, और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी है? गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो है, करेक्ट। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? बल्ब में कुछ ब्राइटनेस आई और इस गैल्वेनोमीटर की नीडल में हल्का सा डिफ्लेक्शन आया, या आगे गई गैल्वेनोमीटर नीडल, ओके। उसके बाद क्या हुआ? बल्ब में ब्राइटनेस और बढ़ी, गैल्वेनोमीटर नीडल और आगे गई, बल्ब में ब्राइटनेस और बढ़ी, ठीक है, ये मैं किरणें बना रहा हूं, और गैल्वेनोमीटर नीडल और आगे चली गई, यानी लगातार करंट लगातार क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, यहां से यहां तक लगातार क्या है? इंक्रीज है, ब्राइटनेस में भी इंक्रीज और करंट
करंट में भी इंक्रीज। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अजीब सी बात हुई कि इसकी ब्राइटनेस घटी, गैल्वेनोमीटर की निडल पीछे गई, कम होने लगी, ब्राइटनेस और घटी, गैल्वेनोमीटर की निडल और पीछे गई, ब्राइटनेस घटते घटते बिल्कुल जीरो हो गई और गैल्वेनोमीटर की निडल आ गई कहां, एग्जैक्ट जीरो पर। यहां से यहां तक क्या हुआ, करंट में डिक्रीज हुआ। अब समझो जरा ध्यान से, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन है जो मैंने बनाया इंक्रीज वाला, कंटिन्यूसली इंक्रीज 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 इंक्रीज। उसके बाद क्या हुआ, ईएमएफ डिक्रीज होने लगा, करंट भी डिक्रीज होने लगी, ये करंट का डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, और यहां आकर के ईएमएफ बिल्कुल जीरो है तो बल्ब की ब्राइटनेस जीरो हो गई, बल्ब बंद हो गया, एकदम बल्ब बिल्कुल बंद हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि बल्ब की ब्राइटनेस फिर से बढ़नी शुरू हुई, हल्की सी ब्राइटनेस इसमें आई और गैल्वेनोमीटर की निडल फिर से बढ़नी शुरू हुई, लेकिन इस बार इस गैल्वेनोमीटर रीडिंग का जो निडल है ये अपोजिट डायरेक्शन में चली, बल्ब की ब्राइटनेस और बढ़ी, बल्ब की ब्राइटनेस और बढ़ी, इस गैल्वेनोमीटर निडल में डिफ्लेक्शन और बढ़ा हुआ, बल्ब की ब्राइटनेस और बढ़ी, बल्ब की ब्राइटनेस उतनी हो गई जितनी पहले थी मैक्सिमम, उतनी हो गई, अब फिर से उतनी हो गई जितनी पहले थी मैक्सिमम, लेकिन और गैल्वेनोमीटर की निडल क्या हो गई, उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन में चली गई जितनी पहले एक डायरेक्शन में थी, उतनी ही चली गई अपोजिट डायरेक्शन में। और क्या हुआ, यहां से यहां तक क्या हुआ, करंट का फिर से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, लेकिन इंक्रीज हुआ अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद क्या कंडीशन हुई, अब ये कौन सी वाली कंडीशन है, देखो यहां से यहां तक कंडीशन ये वाली है कि फिर से लगातार इंक्रीज हो रहा है करंट में, लेकिन डायरेक्शन बदल गई है, डायरेक्शन बदल गई करंट की, करंट की डायरेक्शन बदल गई। अगर यहां से यहां तक इस पूरे फिनोमिनन में, इस पूरे टाइम में, इस पूरे ड्यूरेशन में अगर करंट थी क्लॉकवाइज, तो अब करंट चलने लगी एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बल्ब की ब्राइटनेस में फिर से कमी आई, इसका डिफ्लेक्शन कम हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बल्ब की ब्राइटनेस बिल्कुल जीरो हो गई और डिफ्लेक्शन यहां आकर के फिर से जीरो हो गया। तो ये कितना हुआ, तीन तीन फिगर मुझे बनानी थी, इसमें ये क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। तो लगातार करंट, करंट और ईएमएफ, ईएमएफ और करंट दोनों की बात हम कर रहे हैं, ईएमएफ लगातार इंक्रीज होता है तो करंट इंक्रीज हुई, जब ईएमएफ डिक्रीज होने लगता है तो करंट भी डिक्रीज होने लगती है, जब करंट इंक्रीज हो रही है तो ब्राइटनेस इंक्रीज हो रही है, जब करंट डिक्रीज हो रही है तो ब्राइटनेस भी डिक्रीज हो रही है, फिर उसके बाद क्या, जीरो हो गया, सब कुछ ठंडा पड़ गया मामला एकदम, फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऐसा हो गया जैसे कि सर्किट में कुछ हलचल है ही नहीं, कोई ईएमएफ नहीं, कोई करंट नहीं, कुछ नहीं, बंद सब कुछ एकदम शांत। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर से ईएमएफ बढ़ना शुरू हुआ लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब क्या है कि यहां से यहां तक का अगर इसको, अगर आप सर्किट को देखेंगे, यहां से यहां तक सर्किट ऐसे है जैसे कि ये सिरा प्लस, ये सिरा माइनस, और फिर इतना सर्किट, ये वाला सर्किट, इस सर्किट में सोर्स ऐसे काम कर रहा है जैसे कि इस साइड प्लस हो गया और इस साइड माइनस हो गया, पोलैरिटी बदल गई, पोलैरिटी बदल गई। यहां क्या हो गया, यहां इसे हम कहेंगे, यहां हम कहेंगे क्या, चेंज इन पोलैरिटी, चेंज इन पोलैरिटी, पोलैरिटी बदल गई, पोलैरिटी बदल गई। मतलब ऐसा समझ लो जैसे कि सेल को आपने पलट के लगा दिया हो, अभी अभी ये देखो, ये मेरी एक उंगली बड़ी है, ये प्लस था, ये माइनस था, और आधे इसके बाद में आपने उल्टा कर दिया, सेल को इधर प्लस कर दिया, इधर माइनस कर दिया, तो क्या होगा इससे, इसके इफेक्ट से क्या होगा, सर्किट में करंट पहले तो चल रही थी क्लॉकवाइज, और जब आपने इसको सेल को पलट दिया तो सर्किट में करंट अब कैसी चली, अब करंट चली एंटी क्लॉकवाइज। एक टाइम पीरियड में, आधे टाइम पीरियड तक सर्किट में करंट है क्लॉकवाइज, तो अगले आधे टाइम पीरियड तक सर्किट में करंट है एंटी क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन भी बदल रही है, करंट का लगातार मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, करंट की डायरेक्शन बदल रही है और लगातार इसका मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, लगातार मैग्नीट्यूड इसका बदल रहा है, इसे कहते हैं हम अल्टरनेटिंग करंट। जबकि स्टेडी करंट, जो अब तक हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी उसमें सब ये वाली करंट थी, एक बार ये बढ़ती है अपनी पीक वैल्यू तक, पीक वैल्यू तक, और फिर उसको हम
फिर पीक वैल्यू से फिर क्या है, एक जगह जाकर के वो कांस्टेंट हो जाती है। जो मैक्सिमम करंट है या मैक्सिमम ईएमएफ है, मैक्सिमम ईएमएफ है ये जो जहां तक मैक्सिमम पहुंचा 10 वोल्ट तक, 20 वोल्ट तक, 50 वोल्ट तक, इसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू। अगर ईएमएफ है तो पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, अगर करंट है तो पीक वैल्यू ऑफ करंट। यहां तक की बात समझ आई, क्लियर हुई ये बात कि ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब है क्या? ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसी करंट है जो पीरियोडिकली मैग्नीट्यूड में भी बदलती रहती और जो डायरेक्शन में भी बदलती रहती। डायरेक्शन में भी अपोजिट होती रहती है, ये कुछ और डायरेक्शन, ये कुछ और अपोजिट हो जाती है डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी चेंज होता है। इसे हम कहते हैं क्या? इसे कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, दो क्लास होंगी आपकी लगातार।